हेलो दोस्तों, आपसे मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी अपने व्हाट्सएप को यूज़ करके बोर हो चुके हैं? अगर आप भी कुछ नया कूल व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं और उसका डिज़ाइन भी देखने में बहुत बढ़िया हो और उसे देखकर आपके दोस्त भी आपको बोले क्या व्हाट्सएप है यार, बहुत बढ़िया लग रहा है, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे थीम, स्टाइल्स और भी बहुत कुछ। उसमें आपको म्यूज़िक कंट्रोल्स भी मिलते हैं और भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको मैं आज की इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, उसके बाद आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो आप नॉर्मल व्हाट्सएप यूज़ करते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर, आपको उसे ओपन करना है। उसके बाद आपको थ्री डॉट्स पर क्लिक करके सेटिंग में चले जाना है। उसके बाद आपको सिंपली चैट्स पे जाके चैट बैकअप पे क्लिक करके आपको सिंपली अपने व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस का एक बार बैकअप ले लेना है। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप सारे मैसेजेस का बैकअप ले लें ताकि जब आप अपने व्हाट्सएप को डिलीट करें तो आपके सारे मैसेज स्टोर हो जाए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने बैकअप ले लिया है। अब आपको इस व्हाट्सएप को सिंपली अनइंस्टॉल कर देना है, जैसा कि मैंने कर दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने पुराने वाले व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद दोस्तों, मैंने एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस लिंक की मदद से इस व्हाट्सएप को नए वाले व्हाट्सएप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो नया वाला व्हाट्सएप है उसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने पुराने वाले व्हाट्सएप को डिलीट कर चुका है और ये मैंने नए वाले व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लिया है। आप भी जब इसे इंस्टॉल करें तो पक्का पुराने वाले व्हाट्सएप को डिलीट करें और पक्का बैकअप लें। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप इस व्हाट्सएप को ओपन करेंगे यहाँ पर आपको अलाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप सिंपली एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें और यहाँ पर मैं अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पे अपना नंबर वेरीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना नंबर वेरीफाई कर लिया है और आपको यहाँ पे ध्यान से कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तभी आप अपने बैकअप को रिस्टोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद आपको सिंपली अलाउ कर देना है और यहाँ देखिए, आपको ध्यान से देख लीजिए, आपको रिस्टोर बटन पे ही क्लिक करना है। अगर आप स्किप कर देंगे तो यहाँ पर आपके बैकअप फाउंड नहीं हो पाएगा, इसलिए आप यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक करें ताकि आपके सारे मैसेजेस स्टोर हो जाए। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप अपना नेम टाइप कर लेते। मैं यहाँ पे अपना नेम को टाइप कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। ये एकदम न्यू अपडेटेड व्हाट्सएप है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे यहाँ पे आपको कुछ डिज़ाइन हल्का बदला हुआ दिख ही रहा होगा। मैं आपको इसके फीचर्स हल्का बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ एरोप्लेन बटन पे क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको एरोप्लेन मोड ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी मदद से आप यूट्यूब, गूगल कुछ भी चला सकेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन ना आए तो आपको व्हाट्सएप के कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजेस, नोटिफिकेशन कुछ नहीं आएंगे अगर आप एरोप्लेन मोड ऑन करेंगे, और आप बड़े आसानी से अपने इंटरनेट को भी यूज़ कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाता है डार्क मोड। जैसे आप इसे इनेबल करेंगे आपका जो व्हाट्सएप है वो डार्क मोड हो जाएगा। आप उसकी मदद से आप अपने पूरे व्हाट्सएप में डार्क मोड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक सर्च बटन मिलता है, यहाँ से आप अपने कॉन्टैक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और इसके फीचर्स बता दूँ। यहाँ पर आप प्लस बटन देख रहे होंगे, यहाँ पर जो क्लॉक है या इसकी मदद से आप अपना जो लास्ट सीन है उसे फ्रीज कर सकते हैं, और भी यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस है। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली थ्री लाइंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको DOR का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ क्लिक करेंगे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आ जाना है। जैसे आप वहाँ पर आएंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीज लास्ट सीन। इसका मतलब ये हुआ कि आप लास्ट सीन किसी का भी अपना फ्रीज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलता है डिसेबल फॉरवर्डेड, हु कैन कॉल मी, कस्टम प्राइवेसी, हाइड व्यू स्टेटस, एंटी डिलीट स्टेटस। आप इसकी मदद से आप किसी का भी स्टेटस जब देख लेंगे तो उसे नहीं पता चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देखा है। और एंटी डिलीट स्टेटस, इसके मदद से आप किसी के भी स्टेटस को डिलीट होने के बाद भी आप उसका स्टेटस देख सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर वो स्टेटस अपना डिलीट कर देता है तब भी वो स्टेटस आप अपने इस व्हाट्सएप में इस फीचर को इनेबल करके देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलता है एंटी डिलीट मैसेजेस। जैसे आप इस फीचर को इनेबल करेंगे कि कोई भी आपको मैसेज भेजे और उस मैसेज को डिलीट कर दें और आप उसे नहीं देख पाएँ, अगर आप इस फीचर को इनेबल कर दे तो वो जब डिलीट भी कर दे तो भी आप बड़े आसानी से उस मैसेज को पढ़ पाएंगे। उसके बाद दोस्तों, शो ब्लू टिक्स आफ्टर रिप्लाई। अगर कोई भी आपको मैसेज भेजे तो उसे डबल टिक नहीं दिखेगा, ब्लू टिक नहीं दिखेगा जब तक से आप उसे रिप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे और भी यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप लॉक और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। मैं आपको और बताता हूँ, आपको कुछ और इसके फीचर्स बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे और टॉप टैप में जाएंगे, यहाँ पर आपको होम यूआई स्टाइल, यहाँ से आप जो स्टाइल है आप यहाँ से
एकदम स्टाइल को बदल सकते हैं। आप यहाँ से कोई सा भी स्टाइल सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे अगर इनेबल इंस्टाग्राम लाइक स्टोरीज को आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो आपका कोई स्टेटस होगा वो आपके होम स्क्रीन पे दिखने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे सेट माई नेम को ऑप्शन इनेबल करेंगे तो यहाँ पर जो आपका भी कुछ भी नेम हो वो एकदम होम स्क्रीन पे दिखेगा, वो भी व्हाट्सएप के बदले। अगर आप चाहते हैं उसके नीचे का मैसेज हट जाए तो आप सिंपली इसे ऑन करेंगे तो वो हट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सब आपके होम स्क्रीन पे दिखे या ना दिखे तो आप यहाँ से सेटिंग करके उसे हटा सकते हैं। अगर आप सर्च आइकन को हटाना चाहते हैं आप उसे भी बड़े आसानी से हटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, आप यहाँ से पढ़ के समझ लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिस्ट रो, यहाँ पर भी आपको कुछ बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, होम व्यू, अदर्स, बटन फैब, और भी बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं। अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ। आपको दोस्तों कलर्स एंड बैकग्राउंड्स के बारे में बता दूं, यहाँ पर आप यूनिवर्सल कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, सॉलिड, ग्रेडियंट, आप कोई सा भी कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप टेक्स्ट का कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो चाहे आपको वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी मैं इसे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप स्टेटस बार है, स्टेटस बार का भी कलर चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड भी आप यहाँ बड़े आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ होम, जैसे आप होम में आएंगे यहाँ पर आपको मिल जाता है आईफोन स्टाइल। जैसे आप इसे इनेबल करेंगे तो जो आपका होम पेज होगा वो एकदम iOS जैसा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पेज शिफ्ट स्टाइल मिलता है, आप यहाँ से स्टाइल बदल सकते हैं उसका। टर्न ऑफ पेज शिफ्टिंग से आप जो पेज का शिफ्ट करते हैं वहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं होगा। अगर आप यहाँ चाहते हैं तो इसे इनेबल करके चैट लिस्ट एनिमेशन से कोई भी आप फीचर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों लास्ट में आपको फीचर्स मिलता है। दोस्तों आपको लास्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डिसेबल कॉन्टैक्ट ऑनलाइन टोस्ट। आप इसकी मदद से कोई भी जब ऑनलाइन आएगा व्हाट्सएप पे आपको एक पॉपअप या मैसेज भेजेगा जिसकी मदद से आप पता कर सकेंगे कि वो ऑनलाइन है। अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो आपको व्हाट्सएप नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मैसेज एक ऑप्शन मिलता है रिंगटोन कॉन्टैक्ट टोस्ट। आप इसकी मदद से जब भी कोई ऑनलाइन आएगा तो आप यहाँ पे एक रिंगटोन को सेलेक्ट कर सकते हैं और वही रिंगटोन बजेगा जब भी कोई आएगा। तो अब मैं आपको कुछ और फीचर्स बता दूँ, उसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको थीम्स का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर आपको लोड थीम पे क्लिक करना है। मैं आपको एक थीम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको उसे डाउनलोड करना है और सबसे पहले आपको उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, उसके बाद आप उसे यूज़ कीजिएगा, आप उसका ध्यान रखिएगा। अब मैंने ये देखिए, जैसे आप उस थीम को यूज़ करेंगे आपको व्हाट्सएप में एकदम मैजिक हो जाएगा, आपको एकदम न्यू थीम मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप इसे अप एंड डाउन करेंगे तो आप इसका डिज़ाइन देख ही सकते हैं, एकदम बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया दिख ही रहा है। आप जैसे कि देख सकते हैं जब स्लाइड कर रहे हैं तो आपको इसका डिज़ाइन देख रहे हैं किस तरह का बढ़िया है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं ग्रुप्स और चैट्स, यहाँ पर आपको एकदम अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेटस और कॉल्स मिलते हैं। अब मैं आपको इसके कुछ और फीचर्स बता दूँ, अगर आप यहाँ म्यूज़िक बटन पर क्लिक करेंगे और अगर आपके फ़ोन में म्यूज़िक डाउनलोड होंगे तो आप यहाँ से सिंपली क्लिक करके प्ले कर सकेंगे। दोस्तों अब मैं आपको और इसके कुछ फीचर्स बता दूँ, अगर यहाँ पे किसी के भी आप चैट्स में जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ट्रॉली का ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप इस ट्रॉली पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, इमोशन, फैंसी टेक्स्ट, स्पैम, सेट स्पैम, टेक्स्ट इमोजन, ब्लैंक टेक्स्ट, टेक्स्ट रिपीटर, जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हैं। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर आप स्पैम बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक मैसेजेस चले जाएंगे। अगर आप यहाँ पे सेट स्पैम पे क्लिक करेंगे और अगर आप यहाँ पे किसी भी कोई सा भी आप मैसेज को सेंड करना चाहते हैं, मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब नाउ, और यहाँ पर आप चाहते हैं उसे 1,00,000 बार, 1,000, 10, 100 कितने भी बार आप उसे भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली अभी आपको 10 पे करके दिखाता हूँ और सेंड करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने 10 कर दिया और सेंड कर दिया, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 times सब्सक्राइब नाउ जा चुका है। अब मैं आपको इसके कुछ और फीचर्स बता दूँ, अगर आप यहाँ ब्लैंक टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ये सब मिलते हैं, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये कॉपी हो जाएगा और जैसे ही कॉपी होगा आप यहाँ पे वापस आ जाएं और कीबोर्ड पे जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करेंगे आप इसे बड़े आसानी से भेज सकेंगे, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको टेक्स्ट क्रिएशन मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी मैसेज भेजते हैं तो यहाँ देख सकते हैं रिवर्स टेक्स्ट, फ्लिप टेक्स्ट, आप इसे सिंपली कॉपी करके भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट स्टाइल मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी मैसेज लिखते हैं तो यहाँ देख सकते हैं उसका स्टाइल एकदम बदल जाता है दोस्तों, यहाँ देख ही सकते हैं आप इसे चाहे तो कॉपी कर लीजिए और अगर आप इसे चाहते हैं किसी को सेंड करना तो आप इसे बड़े आसानी से सेंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप यहाँ खुद पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। आज के लिए बस इतना ही।